तो भाई पासपोर्ट से तो हम निकल चुके हैं नैनीताल के लिए, और ये गई रामनगर के लिए रास्ता गई है, और दूसरी ये नैनीताल हल्द्वानी को निकल गई रास्ता। तो फिलहाल हम कालाडोंगी में एंट्री कर चुके हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। अब उसके ब्रिज पर पहुंच चुके हैं। कितना सुंदर नज़ारा है, पानी की आवाज़ इतनी सुंदर, और मौसम, क्योंकि बारिश के मौसम में मौसम बहुत ही सुहावना होता है। तो अब हम कालाडोंगी से निकल चुके हैं नैनीताल के लिए, और रास्ता पहाड़ी क्षेत्र आ चुका है एकदम, जो कि ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। वैसे नैनीताल के पहाड़ हमारे शहर से बिल्कुल सपा दिखाई देते हैं, उसी तरह नैनीताल के पहाड़ से हमारे जो मैदान हैं, हमारे शहर के मैदान हैं, वो बिल्कुल सपा दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अपने शहर से लिया गया एक फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम खुरपाताल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर शहर है, छोटा सा शहर है लेकिन है सुंदर। और आप देख रहे हैं पहाड़ों पर बादल कैसे जमे पड़े हैं, मतलब कि कैसे चल रहे हैं पहाड़ों में बादल। और ये देखो पहाड़ कितना सुंदर है, और यहाँ के पेड़ कितने। बाप रे बाप, कितना कोहरा आ गया, और तेरी फॉग कितना आ चुका है हमारे चारों तरफ। मतलब मौसम अभी ठीक ठाक था, और अब कितना खतरनाक मौसम होता जा रहा है। वो भाई दिन में ही रात हो गई, और तेरी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, कितनी रात हो गई है। और ये सब घने बादल हैं, जो बारिश वाले बादल होते हैं ना, वो ही बादल हैं, कितने ज़्यादा हैं कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब बादल हमसे बहुत दूर जा चुके हैं, देखो पहाड़ों के ऊपर ऊपर हैं, ऐसा ही होता है, कभी पास आ जाते हैं कभी दूर चले जाते हैं। कितने सुंदर लग रहा है यहाँ का नज़ारा, ये देखो पहाड़ के ऊपर बादल और पेड़ कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं। लेकिन भाई बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा खतरा और बहुत ज़्यादा रिक्स है। आप देख रहे हैं पहाड़ भूस्खलन कितने मतलब खसक रहे हैं रोड पर, जो कि जिससे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पहाड़ खसक गए हैं, लेकिन सब जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने सब सफा कर दिया। कितना खतरनाक रास्ता हो चुका है, देखो जा। और भाई हमें एक जगह नहीं, हमें 20 जगह मिला है इस तरह से, जिससे कि मलबा हटाया गया था अभी तुरंत एक या दो दिन के अंदर अंदर, और बहुत ही ज़्यादा मतलब रोड ख़राब हो चुकी थी। तो ये है छोटा सा वाटरफॉल, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जो कि मल्लीताल के पास में है, मतलब मल्लीताल के पास में बना हुआ है ये। और ये है हमारा खूबसूरत ताल जिसे बोलते हैं मल्लीताल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये वाटरफॉल जो है मल्लीताल का वाटरफॉल, जो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है।
क्योंकि काफ़ी बड़ा था, तो मैंने सोचा अगर ये ब्लॉग में डालूंगा तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैंने उसका ब्लॉग छोटा ब्लॉग अलग बना दिया, तो आज जल्दी आ जाएगा इसी चैनल पे। तो बारिश के मौसम में ना आए क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है, क्योंकि जगह जगह पहाड़ खस के पड़े थे और मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी और ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन ठंड का तो कोई नहीं, लेकिन पहाड़ जगह जगह रास्ता बंद थी, जो मतलब कि हमारे कर्मचारी थे उन्होंने रास्ता सफा किया और काम चालू था, क्योंकि जगह जगह रोड भी कट गई थी इस बारिश की वजह से। तो भाई फाइनली हम नैनीताल पहुंचने वाले हैं, 2-3 किलोमीटर और रह गया नैनीताल, तो अब हम नैनीताल में घूमेंगे, जो चिड़ियाघर जाना है और झील में मतलब बोटिंग करनी है, तो सब उसके वीडियो अलग से जल्दी जल्दी आएंगे चैनल पर, तो देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार बोला है मैंने कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी 25-30 वीडियो होगी लेकिन अभी तक मैंने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं बोला, लेकिन आज पहली बार बोला कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो कमेंट्स करो। तो ये रहा हमारे शहर बाजपुर और नैनीताल के बीच का यात्रा ट्रेवल, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा, छोटा सा ब्लॉग और मतलब कि खूबसूरत वादियाँ, स्वर्ग जैसा नैनीताल, और फाइनली हम उसमें पहुँच चुके हैं। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो विजिट करें, और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी से जल्दी आएंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं। तो चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।